हाय एवरीवन वेलकम बैक टू परचम आई एम ऋचा शर्मा आज के सेशन में अगस्त 2022 के मंथली करंट अफेयर्स को देखेंगे और उसमें भी पर्टिकुलरली नेशनल न्यूज़ बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की न्यूज को डील करेंगे अब जो नए बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे मैम बाकी सारी न्यूज़ का क्या स्पोर्ट्स का क्या इंटरनेशनल न्यूज का क्या रैंकिंग इंडिसेस का क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो आपको मैं बता दूँ हम पूरे महीने की करंट अफेयर्स को पांच पार्ट में डिस्कस करते हैं तीन पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं नहीं देखे नो प्रॉब्लम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के बाद में आप देख सकते हो उन वीडियोस के न देखने से आज कोई नुकसान इस वीडियो में आपको नहीं होगा ओके सो इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हम याद कर याद कर चुके हैं देन उसके बाद हमने बुक्स एंड ऑथर्स अपॉइंटमेंट्स अवार्ड्स एंड ओबिचुरीज देखे थे देन स्टेट न्यूज़ साइंस टेक और डिफेंस ये तीन वीडियोज़ हो चुके हैं आज हम नेशनल न्यूज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो एक आएगा जिसमें इंटरनेशनल न्यूज़ इंडेज एंड रैंकिंग और स्पोर्ट्स कैटेगरी को डिस्कस करेंगे तो ये पांचों वीडियो मिला करके आपके पूरे महीने की करंट अफेयर की अच्छी खासी तैयारी हो जाती है आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो वो वन डे हो या फिर मल्टीपल uh, लेवल्स का एग्जाम हो स्टेट लेवल का हो सेंट्रल लेवल का हो सभी लिहाज से करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जी स्टार्ट करें चलिए स्टार्ट करेंगे हम नेशनल न्यूज के साथ और फिर बैंकिंग फाइनेंस पे चलेंगे अच्छा पीडीएफ के बारे में मैं बता दूं कि इन पांचों पार्ट्स का जो मंथली सी में होते हैं उनका एक सिंगल कंसोलिडेटेड पीडीएफ ऑलरेडी परचम क्लासेस डॉट इन पर अवेलेबल करवा दिया गया है सो so, आपको इंडिविजुअल पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट पर जाइए कोई भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन या कोर्स खरीदना है तो ऐप पे जाना होगा ठीक है और अभी ऐप पे वीकेंड ऑफर ट्वेंटी फ्लैट चल रहा है ऑन कोर्सेज तो अगर आपको बाय करना है इट इज अ गुड थाइ चलिए अब आ जाते हैं सीधे पढ़ाई पे विच यूनियन मिनिस्टर हैज प्रेजेंटेड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड इन न्यू डेली यानी कि किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार प्रदान किया है पहली बार अवार्ड्स दिए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है तो अब देखिए कृषि से जुड़े हुए यानी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कौन देगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर देंगे बिल्कुल नरेंद्र सिंह तोमर जी ने प्रेजेंट किए हैं क्यों दिए गए हैं तो बेसिकली पिछले दो साल की परफॉर्मेंस जो बैंक्स की और स्टेट गवर्नमेंट्स की रही उनके चलते दिया गया है किसकी परफॉर्मेंस किस बारे में परफॉर्मेंस तो ये समझिएगा कि टू इयर्स अगो ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जिसमें किसानों को मीडियम लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी दी जानी थी यानी लोन्स वगैरह दिए जाने थे, थे क्यों दिए जाने थे ताकि वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेज मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर सके यानी कि जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद उस फसल को कैसे रख रखाव करना है कम्युनिटी मैनेजमेंट करना है इंडिविजुअल करना है स्टोरेज से लेकर के और बाज़ार तक पहुँचाने का जो भी मैनेजमेंट है उसके लिए ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है ये बैंक्स वगैरह प्रोवाइड करते और स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प करता ओके okay, तो कौन से बैंक्स ने और कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है इन दो सालों में उसके बेसिस पे अवार्ड्स दिए गए हैं बात समझ में आ गई अब ये जो क्रेडिट फैसिलिटी थी उसमें वेयर हाउस यानी गोडाउन बनाना असेंइंग यूनिट्स प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स फसल की प्रोसेसिंग करना कस्टमर हायरिंग सॉर्टिंग सॉरी कस्टम हायरिंग सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट्स कोल्ड स्टोर कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स तो ये जितनी भी प्रोसेसिंग और स्टोरिंग है उसके लिए ये क्रेडिट फैसिलिटी दी जानी थी ओके अब बैंक्स और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग कैटेगरीज में ऑनर किया गया ओवरऑल कौन सा बैंक है जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है फैसिलिटी ज्यादा नहीं है क्रेडिट की सो एस टॉप पे रहा याद रखेंगे आप और एग्जामिनर आजकल सिर्फ टॉप नहीं पूछता वो टॉप थ्री में से कुछ भी पूछ सकता है तो सेकंड नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक थर्ड नंबर पे बैंक ऑफ इंडिया तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड्स में बैंक जिसने अच्छा परफॉर्म किया एसबीआई फॉलोड बाय पीएनबी एंड बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा जिसमें सबसे ज्यादा ये क्रेडिट फैसिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की गई फार्मर्स ने सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया दैट वॉज मध्य प्रदेश ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द रिवैम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम रीवैम्ड रिवैम्ड का मतलब पहले मैं समझाती थी, थी फिर क्वेश्चन पूरा करूंगी रिवैम्ड का मतलब होता है जिसको नए तरीके से या इंप्रूव तरीके से या कुछ चेंज करके वापस लॉन्च किया गया हो ठीक है वो होता है रीवैम्ड तो मेन तो ये ध्यान रखना है आपको द रिवैम्ड यानी वापस से लॉन्च किया गया रिन्यू करके डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम हैज एन आउटले अमाउंटिंग टू आउटले अमाउंटिंग टू वॉट ओवर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स सवाल समझिएगा के पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का वित्तीय वर्ष 21-22 से 25-26 तक पांच वर्षों की अवधि में डैश से अधिक परिव्यय है आउटले यानी कि कितना बजट इसके लिए असाइन किया गया है तो जो ये रिवैम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी या पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज करती हैं डिस्कॉम जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो इन इस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए फैसिलिटेट करने के लिए कितना आउटले डिसाइड किया गया है 21 बाईस से 25 26 तक के लिए क्वेश्चन समझ में आ गया तो ओवर थ्री लाख करोड़ तीन लाख करोड़ से भी ज़्यादा का बजट आउटले किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की स्कीम में अब ये डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की स्कीम करेगी क्या ये समझ लेते हैं सो ये स्कीम एम करती है फिनेंशियल असिस्टेंस देना डिस्कॉम्स को ठीक है फिनेंशियल असिस्टेंस किसको दी जाएगी डिस्कॉम डिस्कॉम क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ये डिस्ट्रीब्यूशन ये कंपनीज तो इसका एम है कि जो भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है या सस्टेनेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की और पावर डिपार्टमेंट्स की उसको बढ़ाया जा सके नाम से देखो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की स्कीम है ये पावर जनरेट तो हो रही है अब जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो उसमें एफिशिएंसी है उसमें सस्टेनेबिलिटी है इसके लिए फिनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी डिस्काउंट्स को और उसके लिए आउटले रखा गया है मोर देन थ्री लाख करोड़ का बात समझनी जरूरी है फैक्ट्स तो फटाफट याद हो जाएंगे फिर पीएम ने जब ये अनाउंस किया उसी के साथ साथ अब देखिएगा दो एक चीज़ें इनागरेट भी की थी जैसे कि उन्होंने इनागरेट किया जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था 100 मेगावाट का रामागुंडन फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन तेलंगाना और ध्यान रखेंगे कि ये इंडिया में करंट लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट है आज की तारीख में जो फंक्शनल या ऑपरेशनल है वो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ है तेलंगाना में है रामागुंडन फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कितनी कैपेसिटी है हंड्रेड मेगावाट की है ठीक है जी अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट अपकमिंग सोलर प्रोजेक्ट तो वो मध्य प्रदेश के अंदर काम चालू हुआ है मतलब वो अपकमिंग है लेकिन करंट तेलंगाना वाला है एंड 92 टू मेगावाट कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन केरला तो ये दोनों ही इनाग्रेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने यानी अब इसका इनका काम सुचारू रूप से चालू हो चुका है ऑपरेशनल हो चुका है तो सवाल अब देखो जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो करंट में से निकल के आ सकता है आपसे पूछा जा सकता है कायम कुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर है इट इज इन केरला केरला के बैक को कायल बोलते हैं ना तो कायल से आप कायम कुलम याद रख सकते हो थोड़ा हिंट हो जाएगा आपको देन पीएम ऑल्सो लेट दी फाउंडेशन स्टोन यानी कि नींव का पत्थर रखा यानी अब काम चालू होगा ऑफ द सेवन थर्टी फाइव सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान अब ये सोलर प्रोजेक्ट है ये फ्लोटिंग नहीं है ध्यान रखिएगा एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश में जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बन रहा है वो छः सौ छह सौ मेगावॉट का है सिक्स हंड्रेड का जो अभी करंट ऑपरेशनल है वो हंड्रेड मेगावाट का है अब हम बात कर रहे हैं जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया तो पीएम ने राजस्थान के अंदर नोक सोलर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा है यानी यहाँ इस पर काम चालू होगा उसी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लेह के अंदर कावास ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग विथ नेचुरल गैस गुजरात के अंदर तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन के ऊपर अब काम चालू होगा यानी कि अब वो बनने चालू होंगे और ये दोनों ऑपरेशनल हो चुके हैं इनोग्रेट हो चुके हैं राइट सो लॉट इज हैपनिंग इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ ग्रीन एनर्जी है ना रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हम मूव कर रहे हैं और बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं तो जब एक इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड काफी सारी न्यूज नेशनल न्यूज में यही होता है हम स्कीम ज्यादा पढ़ते हैं हम प्रोजेक्ट्स जो चालू है वो ज्यादा पढ़ते हैं बाकी जो वन पॉइंटर न्यूज़ है वो हमने स्टेट न्यूज में अपॉइंटमेंट्स एक्सेट्रा में देख ही लिए तो आज के वाले में आज के वीडियो में समझने का पॉइंट थोड़ा ज्यादा रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन दैट इज आई वी पी एंड पाम ऑयल काउंसिल ऑफ विच कंट्री हैव साइन एन एम ओ यू टू प्रमोट द यूज ऑफ पाम ऑयल यानी कि इंडिया की आई वी पी ए ने और किस कंट्री के पाम ऑयल काउंसिल ने मिलकर के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया यानी एमओयू को साइन किया है पाम ऑयल को प्रमोट करने के लिए पाम ऑयल का यूज बताने के लिए उसके बेनिफिट्स बताने के लिए आंसर इज मलेशिया मलेशिया सो मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल एंड आई वी पी ए ऑफ इंडिया इनके बीच में एमओयू हुआ है पाम ऑयल बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया के अंदर है ना सो so, उसके बेनिफिट्स और यूजेज आम जनता को बताए जाएंगे ताकि इसको भी और पॉपुलराइज किया जा सके पाम ऑयल की खेती और इसके प्रोडक्शन पर काफी ज्यादा फोकस है अगर पिछले साल की आपने करंट अफेयर्स पढ़ी होगी हमारे साथ ही नहीं किसी भी चैनल के साथ अगर आपने पढ़ी होगी तो देखा होगा कि पाम ऑयल की खेती को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है अभी आगे भी हम पढ़ेंगे सो इसी से रिलेटेड ये न्यूज समझनी है नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं विथ सिटी होस्टेड द चाबहार डे कॉन्फ्रेंस Chabahar दिवस आ, सम्मेलन की मेजबानी किस सिटी ने की सवाल दो तीन तरह से बन सकता है देखो चाबार जो पोर्ट है वापस न्यूज़ में देखने को मिला आपको पिछले साल भी था अफगानिस्तान को जब हमने ग्रेन्स भेजे थे वीट भेजा था तब भी न्यूज़ में आया था एनी anyway, वेज so, आपसे पूछा जा सकता है Chabahar डे कब ऑब्जर्व किया गया आपसे पूछा जा सकता है चाबार डे कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज की आपसे भी पूछा जा सकता है चाबार पोर्ट कहाँ पर है ठीक है तो रिलेटेड कुछ भी इन्फो आ सकती है सब देख लेते हैं तो ये कॉन्फ्रेंस हुई मुंबई के अंदर ओके और जिस दिन चाबा डे ऑब्जर्व किया गया उसी दिन ये कॉन्फ्रेंस की गई थर्टी जुलाई को थर्टी जुलाई 2022 को एक कॉन्फ्रेंस हुई है जुलाई की न्यूज है हम अगस्त की पढ़ रहे हैं पर क्योंकि लास्ट डे है पिछले महीने में रह गई थी तो यहां कवर कर ली है सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इस डे को ऑब्जर्व किया इन एसोसिएशन विथ इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल क्यों ऑब्जर्व किया गया ये डे टू मार्क यानी याद में छाबहार लिंक टू आई एन एस टी सी कनेक्टिंग सेंट्रल एशियन मार्केट्स टू मुंबई छाबहार पोर्ट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्ट है राइट क्रिटिकल पोर्ट है बिकॉज ये जितने भी सेंट्रल एशियन मार्केट्स हैं उनको मुंबई से कनेक्ट करने का ये बहुत इकोनॉमिकल और अच्छा रूट है इंडिया के लिए राइट right? तो उसी को ध्यान रखते हुए उसी की इम्पोर्टेंस बताते हुए डे ऑब्जर्व किया गया और इस आ, ये जो इवेंट था ये पहली बार ऐसा इवेंट हुआ है और इसको सेंट्रल एशिया के काफ़ी सारे कंट्रीज के डिग्नेटरीज ने अटेंड किया लाइक कजाकिस्तान ईरान ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान ओके okay? अब थोड़ा सा चाबार पोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि करंट में से ही निकल के आएगा है ना सो so, चाबार पोर्ट कहाँ है गल्फ ऑफ ओमान में है नंबर वन ये देखिए ये ओमान है दिस इज गल्फ ऑफ ओमान और ये रहा चाबार पोर्ट पोर्ट ये जो है इसमें बेसिकली दो अलग पोर्ट्स हैं इट इज़ अ मेजर पोर्ट जिसमें दो अलग पोर्ट्स हैं एक है शाहिद बहिस्ती एक है शाहिद कालांतरी सो so, uh, ये सिग्निफिकेंट पिलर है इंडो पैसिफिक विजन ऑफ इंडिया का क्योंकि पूरे यूरेशिया को इंडियन ओशन से कनेक्ट करने का काम इस पोर्ट से हो सकता है देन ईरान अफगानिस्तान और इंडिया इंडिया ईरान एंड अफगानिस्तान इन्होंने मिलकर के ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट यानी त्रिपक्षीय ट्राई पार्टाइट इन्वॉल्विंग थ्री पार्टीज वो डेवलप किया था चाबार पोर्ट के लिए 2016, 2016 के अंदर 2016 जीरो के अंदर कि हम मिलकर के चाबार पोर्ट को डेवलप करेंगे वाई बिकॉज तीनों के लिए ही क्रिटिकल था ये पोर्ट एंड दे ऑल्सो अग्रीड टू सेटअप ट्राई पार्टाइट ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर के आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कर सकते हो आ जा सकते हो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए ये जो पोर्ट है ये देखो ये है तो ईरान का ईरान के अंडर में आता है लेकिन अफगानिस्तान को अगर इंडिया से कोई मदद चाहिए और अगर हम पाकिस्तान के थ्रू नहीं जाना चाहते लोकेशन देखिएगा थोड़े अगर हम पाकिस्तान के थ्रू नहीं जाना चाहते तो हमको इसी पोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेवलप करने में हम मदद करेंगे अफगानिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसको मदद मिलेगी यहाँ से राइट सो so, इसलिए इन तीनों कंट्रीज ने टू के अंदर ये अग्रीमेंट किया था और उसको डेवलप किया था टू अक्टूबर के अंदर इंडिया ने अपना पहला शिपमेंट भेजा था वीट का अफगानिस्तान को राइट right? और आ, अगर वैसे देखें तो ये पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट से 72 किलोमीटर ही दूर है और ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान का वो चाइना ने डेवलप किया था राइट right? तो अगेन यहाँ पे इंडिया का थोड़ा सा दबदबा होना इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है बिकॉज ये एक तो डायरेक्ट एंट्री दे देगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में दूसरा यहीं पर पाकिस्तान के थ्रू हमको मदद नहीं लेनी पड़ेगी इस पूरे सेंट्रल एशियन रीजन को एंटर करने के लिए ठीक है और चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया के पास भी एक पोर्ट है इस ओशनिक रीजन के अंदर सो so ये सारी इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई थोड़ी न्यूज है ब्रीफ में मैं आपको समझा रही हूँ बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं अदरवाइज द लेक्चर विल गो सो लॉन्ग सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू लिटिल जिस्ट ऑफ एवरीथिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंडिया है साइन एन एमओयू विथ विच कंट्री टू स्मूदन द मूवमेंट ऑफ सी फेयरर्स बिटवीन टू कंट्रीज़ यानी कि इंडिया ने कौन से देश के साथ में एम ओ यू मेमरान्डो अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जो सी फेयरर्स हैं नाविक जो होते हैं वो दोनों देशों के बीच में आराम से आ जा सकें ओके कौन सी कंट्री के साथ में किया है तो ईरान के साथ में किया है और ईरान का कौन सा पोर्ट है जो हम यूज़ कर सकते हैं अभी भी हमने पढ़ा था तो चाबार पोर्ट और मुंबई के बीच में आराम से नाविक आ जा सके इसके लिए ये ये अग्रीमेंट हुआ है एमओ यू साइन बिटवीन यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिविंग सर्बनंद सोनोवाल सोनोवाल इंडिया के और इन्हीं के ईरानियन काउंटर पार्ट है रोस्तम घासमी इनके बीच में ये एम ओ यू हुआ है कि आपके जो नाविक हैं वो आराम से दो देशों के बीच में आ जा सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेर इस प्रोविजन के हिसाब से एम ओ यू साइन हुआ है एंड uh, इसी के साथ साथ ईरानियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ओपन है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के साथ में वो कर लें कि जो गुड्स छाबार uh, पोर्ट के थ्रू आ जा रहे हैं तो इनको छाबार uh, पोर्ट का डेवलपमेंट हो या फिर छाबार पोर्ट को यूज़ करें इंडिया इन सब के लिए ईरान इज़ वेरी ओपन नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर हैज द फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट इन न्यू डेली डी एल एस ए सो किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में पहली फर्स्ट है ये यानी पहली बार इस तरह की कोई मीटिंग हुई है फर्स्ट अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक का उद्घाटन किया किसने किया नरेंद्र मोदी जी ने किया प्राइम मिनिस्टर ने किया किस मीटिंग का डी एल एस ए डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आपने नालसा पढ़ा होगा मैंने पढ़ाया था पहले नहीं तो कोई बात नहीं अभी वापस देख लेंगे नालसा इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी देखिए जो एपेक्स कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट है फॉर एग्जाम्पल ना फॉर एग्जाम्पल तो क्या सुप्रीम कोर्ट है एपेक्स कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट को ही एक तरह से सपोर्ट करता है नालसा वाई बिकॉज बहुत सारे केसेस जो कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करवा लिए जाते हैं या जो अंडर प्रिवलेज लोग होते हैं उनको फ्री में लीगल सर्विसेज जो देनी होती है ये सारा काम नालसा करती है तो सुप्रीम कोर्ट का कुछ बर्डन हेल्प आउट हो जाता है उसी तरह से नेशनल लेवल के बाद में स्टेट लेवल पे होता है ये सेम काम जैसे हाई कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट के बाद उसी के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेम काम होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसी तरह से डीएलएसए होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ये जो नालसा है या इसके अंडर में जो स्टेट लीगल सर्विसेज हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विसेज हैं इनका काम क्या होता है ऐसे लोग जो कि लीगल सपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री में लीगल सर्विसेज पहुँचाई जा सके नंबर वन नंबर टू आउट ऑफ द कोर्ट जो भी सेटलमेंट करवाने हों बातचीत से आर्बिट्रेशन एक्सेट्रा से वो करवाए जा सके चलिए सो so, ये जो पहली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज uh, की मीट थी है, किसने ऑर्गेनाइज करवाई नालसा ने करवाई टोटल सिक्स सेवेंटी सिक्स डीएलएसएस कंट्री में हैं और उन सभी ने इस मीटिंग को अटेंड किया है ओके एंड मेन काम है रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन कोर्ट्स बाय रेगुलेटिंग लोक अदालत विच आर कंडक्टेड बाय नालसा तो ये जो मैंने कहा कि बाहर आउट ऑफ द कोर्ट जो सारे काम हो जाते हैं बातचीत से सुझाव से और कुछ कुछ केसेस वहीं सॉल्व कर लो दैट इज लोक अदालत एक इंसान अपील कर सकता है लोक अदालत में और वो किसके अंडर में आता है नालसा के अंडर में सो so बस नालसा ने ऑर्गेनाइज़ करवाई पहली डी एल एस ए मीट कहाँ हुई है नई दिल्ली के अंदर हुई है किसने इनाग्रेट किया है पर पी एम नरेंद्र मोदी जी ने किया है नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज ऑर्गेनाइज द तिरंगा उत्सव टू सेलिब्रेट विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगली वेंकैया द डिजाइनर ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग यानी कि संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती यानी कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया तो आंसर इज वन पिंगली वेंकैया जी की वन बर्थ एनिवर्सरी थी और कौन से दिन को पड़ी सेकेंड ऑगस्ट को सेकेंड ऑगस्ट 1876 में इनका जन्म हुआ था और 146 फोर्टी एनिवर्सरी इस बार बनाने के लिए तिरंगा उत्सव रखा गया और एक स्टैम्प भी रिलीज किया गया प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ये स्टैम्प जो इन्होंने डिज़ाइन किया था तिरंगा और जो अब हम यूज़ करते हैं ऑफकोर्स वो मॉडिफाइड वर्जन है बट देन ही इज़ गिवन दी क्रेडिट टू हैव डिज़ाइन तिरंगा सो वेंकैया जी की अगर हम बात करें पिंगली वेंकैया तो ये इनका जन्म हुआ था मछलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है और ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं गांधी प्रिंसिपल्स के फॉलोअर रहे सो so, किसने डिजाइन किया तिरंगा और वो कहाँ बॉर्न हुए कब बॉर्न हुए इस बार कौन सी वर्षगांठ थी उनकी कौन सा दिन ऑब्जर्व किया गया किस तारीख को किया गया सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन ऑयल एंड एन साइन एमओयू इंडियन ऑयल कंपनी और एन टी सी ए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी साइन एम ओ यू फॉर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिलोकेशन ऑफ चीता अब आप बोलो कि इसमें इंडियन ऑयल क्या कर रहा है इंडियन ऑयल इस सारी चीज़ को फंड करेगा है ना हर एक जो बड़ी कंपनी होती है उनको सी एस आर एक्टिविटीज़ करनी होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई हम समाज की वजह से इतने बड़े बने हैं तो हम समाज को कुछ लौटाएंगे कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके चलते ये पहला एक कंपनी है जिसने एम ओ यू साइन किया है एन टी सी ए के साथ में ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिलोकेशन ऑफ चीता कहाँ से आ रहे हैं चीता हमारे पास साउथ अफ्रीका और नामेबिया से आ रहे हैं सो एन टी सी ए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसको इंडियन ऑयल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा फिफ्टी पॉइंट टू टू चार साल के अंदर री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए और ये पहला कॉर्पोरेट बन गया है इंडियन ऑयल जो कि प्रोजेक्ट चीता में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अच्छा इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो आठ से दस चीता आने हैं नामेबिया और साउथ अफ्रीका से इंडिया में कहा कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में दो चीता अभी रिसेंटली आए थे पर इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया वाई बिकॉज वो कैप्टिविटी में पले बड़े थे तो उनको ओपन में शिकार करना ही नहीं आता था तो ऐसे में वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे राइट तो ये मैंने एडिशनल इन्फो दे दी नेशनल प्रोजेक्ट है एन है इसके अंदर ये रिलोकेशन वाला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है मध्य प्रदेश है और चीता अब यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट क्योंकि जब भी आप न्यूज़ पढ़ते हो हर जगह ये फैक्ट नहीं आता कि चीता जो इंडिया से या यागिस्टिंक्ट हुआ एक्सटिंक्ट हुआ ना दैट वॉज द एशियाटिक चीता ओके और उसका साइंटिफिक जूलॉजिकल नेम क्या था एसनोनिक्स जुबैटिस वेनाटिकस ये था एशियन चीता जो एक्सटिंक्ट हुआ अब जो हम लेकर के आ रहे हैं रीलोकेट करके वो अफ्रीकन चीता है कौन सा चीता है वो अफ्रीकन चीता है इसकी स्पीशीज डिफरेंट है सब स्पीशीज सो एसोनॉमिक्स जुबैटिस जुबैटिस हमारा एसोनॉमिक जुबैटिस और वर्नाटिकस था ठीक है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर एग्जामिन को घुमा के सवाल पूछना होगा पूछ सकता है नेक्स्ट हम आते हैं विच बिल हैज बीन पास बाई पार्लियामेंट टू प्रोहिबिट एथलीट एंड सपोर्ट पर्सनल फ्रॉम एंगेजिंग इन डोपिंग यानी कि डोपिंग में शामिल न होने शामिल होने से रोकने के लिए एथलीट और सहायक कर्मियों को संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है आंसर इस डोपिंग बिल नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 सो नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 पास हो चुका है अब ये इन हो गया अगर आप डोपिंग करते हो और उसके तहत आपको बहुत सारे दंड दिए जा सकते हैं अब आप बोलोगे कि मैम ये तो इंडिया में पहले भी कुछ चल रहा था एंटी डोपिंग से रिलेटेड पहले लॉ नहीं था हाँ रूल्स बना रहे बनाए ऑलरेडी बने हुए थे और एक सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी उनको फॉलो करवा रही थी जिसका नाम था नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा जो कि एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है ये अभी तक एंटी डोपिंग देखती थी कि भाई डोपिंग नहीं हो रही हो टेस्टिंग करवाना है एक्सेट्रा लेकिन अब ये जो बिल पास हो गया है इसके बाद नाडा को एक स्टेट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल जाएगा स्टेट्यूटरी बॉडी बन जाएगी जिसको एक डायरेक्टर जनरल हेड करेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ठीक है सो चीज़ें और ज़्यादा लीगल और एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क से काम करेंगी एंड वी हैव यू नो बिकम अ पार्ट ऑफ फ्यू कंट्रीज जिनके पास खुद का एक लॉ है अगेंस्ट एंटी डोपिंग तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये हमारी सीरियसनेस दिखाएगा कि हम डोपिंग के कितने अगेंस्ट हैं तो अगर इस नए लॉ के हिसाब से कोई एंटी डोपिंग रूल्स को तोड़ता है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो फोरफिट किए जा सकते हैं मेडल प्राइजेस जो जीते हैं वो आपके लिए जा सकते हैं वापस आपको कुछ समय तक पार्टिसिपेट करने के लिए रोका जा सकता है तो थिंग्स विल बिकम सीरियस फ्रॉम हियर सो लाइक आई वॉज टेलिंग यू यू एस चाइना फ्रांस ऑस्ट्रेलिया जापान साउथ कोरिया इनके पास अपना खुद का लॉ लॉ है और डोप टेस्ट की लेबोरेटरी है अब इंडिया भी इस पूरे लीग के अंदर शामिल हो गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में देख लेते हैं नाडा सो so, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी एक तरीके के सेट हुई थी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इट वॉज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी टू नवंबर फाइव टू में एंड विद अ मैंडेट फॉर डोप फ्री स्पोर्ट्स इन इंडिया भाई इन्होंने अपना मैंडेट यानी किया था कि हम क्यों एज uh, अ सोसाइटी रजिस्टर हो रहे हैं डोप फ्री स्पोर्ट्स करना है इंडिया में लेकिन अब लॉ आ जाएगा तो और सुचारू रूप से और सीरियसली uh, ये काम किया जाएगा अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कौन सी है वर्ल्ड लेवल पे दैट इज़ वाडा डब्ल्यू ए डी इट वॉज सेटअप इन 1999 अंडर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इसको यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन ने रिकग्नाइज़ कर रखा है जो कि डोपिंग के अगेंस्ट है 2005 के अंदर

प्राइम मिनिस्टर हैं ही उसके अलावा चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट्स के और जिन यूनियन टेरिटरीज के अंदर लेजिस्लेचर है वहाँ के सीएम उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बाकी यूनियन टेरिटरीज के एक्स ऑफिशियल मेंबर्स एक्स ऑफिशियल मेंबर्स जैसे कि सीईओ जो हैं नीति आयोग के वो हो गए वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग यूनियन मिनिस्टर्स जो कि स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं तो देखेंगे अगर आप तो नेशनल स्टेट यूनियन टेरिटरी सभी लेवल के जो भी गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट हेड्स हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अब इस बार की जो मीटिंग रही उसका एजेंडा क्या था क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सेल्फ सफिशंसी आ सके ऑयल सीड्स पल्स एंड एग्री कम्युनिटीज के अंदर तो एग्रीकल्चर का एरिया एक इंपॉर्टेंट रहा फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्कूल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हायर एजुकेशन पे इम्प्लीमेंट करना और अर्बन गवर्नेंस यानी शहरी जो गवर्नेंस है किस तरह से गवर्न करना चाहिए शहरी इलाकों को ये सारा इस बार का मुद्दा रहा तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लेज़ फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो इसराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स इन चंदौली यूपी तो चंदौली यूपी के अंदर इंडो इसराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नींव का पत्थर या फाउंडेशन स्टोन रखा गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा फॉर वेजिटेबल्स सो हॉर्टिकल्चर का हिस्सा आता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स सो उसी को बढ़ावा देने के लिए इसराइल से तो टेक्नोलॉजी आएगी और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा अभी फाउंडेशन स्टोन रखा है ताकि डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सके और ट्रेन किया जा सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे यूथ को या जो भी लोग हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं उनको सो एग्रीकल्चर सेक्टर को या हॉर्टिकल्चर को फॉर दैट मैटर अगर आपको आगे बढ़ाना है तो पढ़े लिखे और ट्रेंड लोगों का होना जरूरी है और उसी के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला जा रहा है अब चंद्रौली डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज़ वेरी सूटेबल यहाँ पे टोटल नाइन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं पूरे अगर यूपी की बात करें और चंद्रौली की ही अगर हम बात करें तो क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक आई टोल्ड यू कंजीनियल है यानी सपोर्टिव है और uh, इसको राइस बोल ऑफ इंडिया ऑफ यूपी भी कहा जाता है चंद्रौली को राइस बोल ऑफ यूपी और ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है ये राइट तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला जाना काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लिया गया है ताकि uh, जब आप ट्रेनिंग करोगे जब आप चीज़ें सिखाओगे और आपको ग्रो uh, भी करना होगा तो क्लाइमेट भी सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है UP के हम जैसे बात कर रहे थे तो नाइन क्लाइमेटिक जोन है जो कि पूरे साल फेवरेबल रहते हैं फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप वेदन थंगल बर्ड सेंचुरी एंड कुंथकुलम बर्ड सेंचुरी विच ऑज डिक्लेयर रामसर साइट्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट वेदन थंगल बर्ड सेंचुरी एंड कुंथकुलम बर्ड सेंचुरी ये कहां पर लोकेटेड है और हाल ही में इनको रामसर साइट घोषित किया गया था दे आर इन तमिलनाडु अगर आपने वीडियो नहीं देखी है बाय चांस तो जो नई रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई थी जिनके बाद अब टोटल नंबर 75 इंडिया ने डिक्लेयर किया है उसके ऊपर नई रामसर साइट्स पे पूरा एक वीडियो बना करके मैंने निमोनिक से याद करवा के करंट जी के प्ले में आप चेक कीजिएगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड डू गो थ्रू इट क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये रामसर साइट में से क्वेश्चन बनेगा और यहीं से बनेगा तो देख लीजिएगा उसको तो uh, यहाँ तो हम मेंशन ले रहे हैं पर याद करना है तो वो वीडियो जरूर से देखेंगे ठीक है चलिए सो इंडिया के हिसाब से अब हमारे पास कितनी रामसर साइट्स हैं सेवेंटी फाइव रामसर साइट्स हैं थर्टीन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सिक्स सेवेंटी सेवन हेक्टेयर एरिया कवर करती है रामसर साइट रामसर साइट से क्या हेल्प होती है जो वो वेटलैंड है उसका मैनेजमेंट और उसका कंजर्वेशन अच्छे से हो पाता है उसके रिसोर्सेज हम और ढंग से यूज़ करते हैं बिकॉज बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लग जाते हैं उसके यूज़ पर सो so, रामसर कन्वेंशन जो है वो साइन कब हुआ था 1971 में साइन हुआ था रामसर ईरान में इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं इंडिया ने इसको कब साइन किया था फर्स्ट फेबररी 1982 को और चलिए यहीं पे आप बताइए कई बार पढ़ा चुकी हूँ क्वेश्चन देती हूँ अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं दिया बताइए सबसे पहली रामसर साइट्स जो कि डिक्लेयर हुई थी या डेजिग्नेट हुई थी वो कौन सी थी इंडिया से इंडिया से, इंडिया से ओके एंड बस जल्दी से बताइए और आज की हम बात करें तो तमिलनाडु मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में 14 फॉलोड बाय यूपी जिसकी 10 रामसर साइट्स हैं ठीक है ठीके? अब ये जो नई रामसर साइट्स हैं ये दो लॉट्स में डिक्लेयर हुई पहले 10 हुई फिर 11 हुई तो एक बार पढ़ लेते हैं याद यहाँ पे नहीं करवाऊंगी याद मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में करवा रखा है अगर आपको करना है तो वहाँ से आप देख लीजिएगा यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा सो so, कुंथंगुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु सतकोशिया सतकोशियागौज ओडिशा नंद लेक गोवा देन गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फेयर रिजर्व तमिलनाडु रंगनाथितु बी एस कर्नाटका वेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु वेल्लोड बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश वेदंतंगल बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु उद्यमारथंदपुरम बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु तो यहाँ तक क्लियर है ओके okay. उसके अलावा टैंपरा लेक हीराकुड रिजर्व और लेक ये तीनों ओडिशा से यशवंत सागर मध्य प्रदेश चित्रांगुड़ी बर्ड सेंक्चुरी सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स वेदावूर बर्ड सेंचुरी कांजेरामकुल्लम बर्ड सेंचुरी ये सब तमिलनाडु से थाने क्रीक महाराष्ट्र से हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर से एंड शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये भी जम्मू कश्मीर से ये पूरी लिस्ट थी अभी मैंने आपके लिए सिर्फ रीड की है बट मार्क माई वर्ड्स दीज न्यू रामसर साइट्स आर इम्पॉर्टेंट फ्राम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव सो जरूर से यह लिस्ट आप याद कर लीजिएगा गॉट माई थिंग ओके चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अच्छा यहीं पे मुझे बताइएगा एक और टास्क देती हूँ ठीक है लेटमी सी आप लोग कर पाओगे या नहीं ये जो नई रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई थी इनसे पहले तक रेणु का वेटलैंड जो है हिमाचल का वो सबसे शॉर्टेस्ट वेटलैंड रामसर साइट कहा जाता था इंडिया का अब इस बार जो नई रामसर साइट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं उन सबके आगे उनके एरिया भी दिए हुए हैं अगर आप पीआईबी की न्यूज़ देखोगे या हमने जो पढ़ा है उसमें भी देखोगे तो अब आप मुझे कंपेयर करके बताइएगा रेणू वेटलैंड और बाकी सारी अभी जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट एरिया अब कौन से वेटलैंड का है ठीक है डू लेट मी नो और स्टार्ट बताइएगा आपको एक नया आंसर मिलेगा कि अब सबसे छोटा रामसर वेटलैंड कौन सा है रेनू नहीं है ओके चलिए ये कहीं भी आपको पॉपुलरली नहीं दिखेगा पर आप जब डेटा देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्च स्माइल सेवेंटी फाइव इनिशियेटिव स्माइल सेवेंटी फाइव इनिशियेटिव वीरेंद्र सिंह कुमार जी ने लॉन्च किया है जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है स्माइल स्कीम भी थी पहले है ना उसको स्माइल सेवेंटी फाइव इनिशियेटिव के नाम से भी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है स्माइल का फुल फॉर्म भी देख लीजिए सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली ये जो स्माइल 75 फाइव इनिशियेटिव है इसको कहाँ लॉन्च किया गया नई दिल्ली के लिए किया गया किन के लिए किया जाता है मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए किया जाता है जो बैगिंग वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं उनको बहुत सारे सपोर्ट और सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके और हेल्प की जा सके तो इसको स्माइल सेवेंटी फाइव इनिशियेटिव क्यों नाम दिया गया बिकॉज सेवेंटी फाइव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हैं वो ये काम करेंगे अलग अलग एन और स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स यानी और भी जो लोग इन कामों से जुड़े हुए होते हैं प्राइवेट पब्लिक जिस भी तरह के लोग हों वो इनसे जुड़ेंगे और ये रिहैबिलिटेशन करेंगे उन लोगों का जो कि बैगिंग में इन्वॉल्व होते हैं रिहैबिलिटेशन मतलब मेडिकल फैसिलिटी देना काउंसलिंग देना अवेयरनेस देना उनको एजुकेशन से जोड़ना उनको गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ना ये सारा काम किया जाएगा इसके लिए फॉर स्माइल सेवेंटी इनिशिएटिव के लिए बजट कितना रखा गया है 2025-26 तक के लिए इसका थाउजेंड करोड़, सॉरी हंड्रेड करोड़ का बजट रखा गया है नेक्स्ट हम आते हैं निपम क्या है ये निपम ये एक्रोनिम्स पे ध्यान रखा करो वन डे एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सो निपम बेसिकली नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपी राइट ट्रेडमार्क एक्सेट्रा राइट सो निपम अचीव टारगेट ऑफ ट्रेनिंग वन मिलियन स्टूडेंट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस तो जो निपम uh, रखा गया था मिशन उसने वन मिलियन स्टूडेंट्स को बेसिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे ट्रेन कर लिया है और ये काम ट्वेंटी एट स्टेट सेवन यूनियन टेरिटरीज में हुआ 3662 सिक्स सिक्स टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है ओके एंड निपम लॉन्च कब हुआ था एट्थ दिसंबर 2021 को हुआ था आजादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन के तौर पर और ये जो इंटलेक्चुअल uh, प्रॉपर्टी का ऑफिस है वो अटल इनोवेशन मिशन ए और यू इन सब के कोलेब्रेशन से ये निपम हुआ ठीक है निपम ओके okay. वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज गोल्डन जॉइंट इनागरेटेड ऑन चेनाब इन जम्मू एंड कश्मीर सो काफ़ी सारे खुशियों के साथ में जो इंजीनियर्स थे और लेबर्स थे वर्कर्स थे उन्होंने इस ब्रिज को ओपन डिक्लेयर किया इनागरेट किया सो so, वर्ल्ड का हाइस्ट रेलवे ब्रिज ये आप काफ़ी टाइम से न्यूज में पढ़ रहे हो बन रहा है बन जाएगा जल्दी सो दिस इज़ दी गोल्डन जॉइंट इंजीनियर्स ने इसको नाम दे दिया गोल्डन जॉइंट और वो अब इट हैज बिन डिक्लेयर्ड इनॉग्रेटेड चेनाब के ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वन टू फाइव जीरो करोर की लागत से यह बना है वन पॉइंट थ्री किलोमीटर्स लंबा ये पूरा ब्रिज है ये वाला जो पीस आपको दिख रहा है ये एंड थ्री फिफ्टी नाइन मीटर्स अबव द चेनाब रिवर ये बना है और आईफुल टावर जो कि पेरिस में है उससे भी थर्टी मीटर्स ये ऊंचा है इतनी हाइट पे ये है ना इस जॉइंट के कंप्लीशन के साथ में ये जो दो साइड्स को कनेक्ट करेगा बक्ल और कौड़ी साइड्स हैं ब्रिज की जो ये लिंक करेगा ओके एंड ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी कश्मीर से uh, के तरफ अब पॉसिबल हो पाएगी कोई भी वेदर uh, हो बर्फ गिरे कुछ भी गिरे कश्मीर विल स्टिल बी कनेक्टेड नाउ ओके और इसकी डिजाइन लाइफ वन ट्वेंटी की बताई गई है ना इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया सो मुंबई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर एफकॉन्स और ये एम्बिशियस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है उसी प्रोजेक्ट के तहत एक हिस्सा ये गोल्डन जॉइंट है जो कि बना गया है और इसको नॉर्दर्न रेलवे ने एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी एट थाउजेंड ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट ये पूरा प्रोजेक्ट ट्वेंटी एट थाउजेंड करोड़ की लागत से नॉर्दर्न रेलवे बना रहा है और उसी का एक हिस्सा है ये गोल्डन जॉइंट जो कि बारह सौ पचास करोड़ की लागत से रियासी डिस्ट्रिक्ट में तैयार हो गया है गॉट इट चलिए अगली न्यूज पे बढ़ते हैं इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 अब सवाल आ रहे होंगे कहाँ होगा है ना कब होगा तो वो सब देख लेते हैं मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एम इन एसोसिएशन विद सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एसई ए आई ट्वेंटी थर्ड एडिशन इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 ट्वेंटी थ्री थर्ड एडिशन है कहाँ होगा कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर ठीक है तो ये कहाँ होगा सीधा सीधा सवाल दिमाग में रखिएगा so, सो विश्व बांग्ला मेला प्रांगण कलकत्ता का जो है उसमें 15 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में ये होना है एंड सी फूड शो इंटरनेशनल सी फूड शो है कि हम सी फूड कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं ताकि इंटरनेशनल मार्केट्स हमारे लिए ओपन हो हमारे पास और यू नो मार्केट अपॉर्चुनिटीज ओपन हो इंटरनेशनल शो है ये सो अदर कंट्रीज आल्सो कम एंड पार्टिसिपेट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया 2021 2022 की अगर हम बात करें सो थर्टीन लैक सिक्सटी नाइन ऑफ मरीन एंड सी फूड प्रोडक्ट्स इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं ओके okay? और ये सेवन बिलियन यू डॉलर वर्थ के रहे थे अभी तक का ये ऑल टाइम हाई वैल्यू एक्सपोर्ट इंडिया ने किया सो सी फूड का मार्केट भी हमारा बढ़ रहा है अपॉर्चुनिटीज तो ऑलरेडी है ही एस्टिमेटेड टारगेट जो है हमारा 15 बिलियन यूएस डॉलर तक इसको अगले पाँच सालों में पहुंचाना है ये जो ऑलमोस्ट साढ़े सात बिलियन तक का है उसको हमें 15 बिलियन तक पहुंचाना है अगले पाँच सालों में और इसी के लिए सच शोज़ विल बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस स्पेस किड्स इंडिया अनफोल्ड इंडियन फ्लैग 30 किलोमीटर्स अबव दी अर्थ हमने इसको साइंस टेक और डिफेंस में भी पढ़ा था कि एक क्यूब uh, सैटेलाइट है जो कि 750 गर्ल्स ने बनाई थी और इसरो ने उसको लॉन्च किया था उसका नाम हमने देखा था आज़ादी सैट ठीक है सो so, उसी से रिलेटेड अब ये न्यूज़ है देखिएगा स्पेस किड्स इंडिया ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चे बच्चों से जुड़ी हुई है और उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करती है तो उन्होंने इंडियन फ्लैग को स्पेस uh, में 30 किलोमीटर अबव अर्थ अनफल किया इंडिपेंडेंस डे पे और वन लैक सिक्स थाउजेंड फीट अबव द अर्थ एक बलून के थ्रू उसको अनफर्ल किया गया ये ऑर्गेनाइजेशन यंग साइंटिस्ट फॉर द कंट्रीज बनाने में हेल्प करती है स्पेस इंडिया किड्स और इन्होंने आज़ादी सैट सैटेलाइट जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च की गई वो भी लॉन्च की एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय सेवन गर्ल्स सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को मार्क करने के लिए वॉट इज़ द नेम ऑफ नेशनल कैंपेन लॉन्च टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दी फर्स्ट टू ईयर्स एक नेशनल कैंपेन चलाई जा रही है कि जो बच्चे पैदा होते हैं लाइफ बर्थ्स में जो बच्चे जिंदा पैदा हो रहे हैं दो साल तक उन पे पूरा फोकस रहे उन उनके न्यूट्रिशन और उनको कैसे टेक केयर किया जाता है पेरेंट्स के लिए सो एक एक इस तरह की कैंपेन लॉन्च की गई है फर्स्ट टू ईयर्स बच्चे का जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस करने के लिए उस कैंपेन का नाम आपसे पूछा जा रहा है आंसर इस पालन वन थाउजेंड पालन पोषण करते हैं ना सो पालन वन थाउजेंड यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च द कैंपेन नेम पालन वन थाउजेंड और इसी के साथ एक पेरेंटिंग ऐप भी लॉन्च की गई है ताकि बच्चे के पहले दो साल में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है न्यूट्रिशन से लेके मदर की हेल्थ हो गया बच्चे को कैसे रखना है एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें दी जाएंगी ट्रेनिंग ऐप लॉन्च एट अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में इसको लॉन्च किया गया एंड जो भी प्रैक्टिकल्स एडवाइस पेरेंट्स के सोल्यू डाउट्स होते हैं उनके सोल्यूशन वगैरह सब दिए जाएंगे अच्छा अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको आंसर राइटिंग्स वगैरह में हेल्प कर सकता है सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट सम मिशन सम स्कीम सम प्रोजेक्ट्स जो कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट के हो सकते हैं तो आप थोड़े बहुत डेटा पकड़ते चला कीजिए आंसर राइटिंग में बहुत काम के होते हैं जैसे कि चाइल्ड मोर्टैलिटी हैज़ रिड्यूस सिंस टू थाउजेंड फोर्टीन फ्राम फोर्टी फाइव पर थाउजेंड लाइफ बर्थ्स 2014 में अगर हजार लाइफ बर्थ होती थी यानी हज़ार जिंदा बच्चे पैदा होते थे तो उनमें से 45 डेथ हो जाती थी ठीक है उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट अब 2019 में वो रिड्यूस होकर 35 फाइव पर थाउजेंड लाइफ बर्थ हो गई है सो मोर्टेलिटी रेट हैज़ रिड्यूसड और इस तरह की जो पहल है नेशनल कैंपेन है जैसे कि फर्स्ट टू ईर्यर्स में आ, पालन वन वो भी इस मोर्टेलिटी रेट को ही कम करने के आ, तरफ और पहल है बिकॉज जो इनिशियल डेंजर होता है वो पहले दो साल का होता है बच्चे को कमिंग ओवर टू नीवा एन ई वी ए वन नेशन वन एप्लीकेशन इज बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग नीवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ओके ई विधान एप्लीकेशन पहले चलती थी अब उसको नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कर दिया है तो एक नेशन एक एप्लीकेशन जो भी आपके एक ही एप्लीकेशन हो जिसपे आपके सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट दे रही है या जो भी आपको अप्लाई करना है एक ही जगह से एक ही पोर्टल से आपका काम हो जाए वो नीवा के थ्रू पॉसिबल होगा सो नीवा इज अ पोर्टल नीवा क्या है एक पोर्टल है टू ब्रिंग ऑल लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री टुगेदर ऑन वन जो जो भी है, जो भी हैं नियम कायदे कानून बन रहे हैं वो सब एक ही जगह पे आप उनको एक्सेस कर पाओगे वहीं से आपको कुछ अप्लाई करना है तो कर पाओगे सो so, नीवा जिसको पहले ई e विधान कहते थे अब उसको नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कहते हैं मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ठीक है की बेनिफिट क्या होंगे पेपरलेस असेंबली जो भी असेंबलीज हैं सारी पेपरलेस होंगी पूरा जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है कौन से लॉज बने कौन से बिल्स पास हुए सारा लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा क्लाउड टेक्नोलॉजी से जितना भी डेटा है कहीं से भी कोई भी असैस कर पाएगा ठीक है सो जिसके पास भी ऑफकोर्स राइट्स होंगे तो वो जो क्लाउड टेक्नोलॉजी उसको मेघराज नाम दिया गया है सो वन नेशन वन एप्लीकेशन ऑल लेजिस्लेचर इन वन पोर्टल एट वन पोर्टल और क्लाउड टेक्नोलॉजी मेघराज नाम क्या है उसका मेघराज और अगर हम बात करें कि पहली डिजिटल लेजिस्लेचर इस कंट्री में कौन सी रही तो हिमाचल प्रदेश रही 100 परसेंट पेपरलेस डिजिटल लेजिस्लेचर कन्वर्ट हो गई हिमाचल प्रदेश गोवा बिकम्स द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया 100 परसेंट हर घर जल सर्टिफिकेशन कौन से राज्य को सबसे पहले मिला गोवा को मिला यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दादरा एंड नागर हवेलियन दामन ओके सो okay? so, ये सबसे पहली यूनियन uh, टेरिटरी बन गई गोवा सबसे पहला स्टेट बन गया और पीएम मोदी ने हर घर जल उत्सव में वर्चुअली एड्रेस किया और uh, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना चल ही रही है ताकि हर घर में पीने का पानी और नल लग जाए घड़े भर भर के लाना नहीं पड़े इधर उधर जा करके एंड इवेंट वाज अटेंडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत गोवा सी बस तो इसमें और कोई बात नहीं है दो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं सेवनटीन प्रवासी भारतीय दिवस टू बी हेल्ड इन इंदौर ऑन जनवरी नाइन्थ कौन सा एडिशन होगा इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का सेवनटींथ एडिशन होगा कब ऑर्गेनाइज होगा कब होता है नाइन्थ जनवरी को होता है ये और इस बार कहाँ होगा एम इंदौर है ना अब प्रवासी भारतीय दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है जितने भी एन आर हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो इंडिया के डेवलपमेंट में आज भी चल रहा है उसको एक्नॉलेज करने के लिए और ऑल्सो गांधी जी इस दिन इंडिया लौटे थे है ना साउथ अफ्रीका से पहली बार 9 जनवरी 1915 को आए थे तो इस दिन की याद में भी प्रवासी दिवस भारतीय प्रवासी दिवस ऑब्जर्व किया जाता है सो so, तारीख ध्यान रखेंगे नौ जनवरी फर्स्ट कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इंडिया की सबसे पहली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट यानी कि काम चलाने के लिए हमारे पास जितनी नॉलेज यानी जितना पढ़ना लिखना ज़रूरी है उतना यहाँ हर इंसान को आता है ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट बन गई है मांडला डिस्ट्रिक्ट एमपी की ये बेसिकली ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिनानशियल फ्रॉड वगैरह हो जाते थे तो कलेक्टर को बहुत सारे लोग आकर के आम जनता कंप्लेन करती थी हमारा इतने पैसे चले गए बैंक से इतने चले गए फ्रॉड हो गया तो एक मुहिम स्टार्ट किया था ट्वेंटी इंडिपेंडेंस डे पंद्रह अगस्त दो में यहाँ के गवर्नमेंट ने और कलेक्टर्स ने मिल करके कि हम एजुकेट करेंगे यहाँ के लोगों को ठीक है और उसके चलते आज आ, ये न्यूज़ है कि मांडला डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश की वो फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इंडिया की पहली बन गई यानी एवरीबडी नोज इतना लिखना पढ़ना कि उनका सारा काम चल सके और इट सो इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट आंगनवाड़ी सोशल वर्कर्स विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन सब ने हेल्प की टू एजुकेट विमेन एंड सीनियर सिटीजन ऑल्सो ठीक है तो विमेन एंड सीनियर सिटीजन एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स या आम काम सारे इनके हो पाए सुचारू रूप से इतनी इम्प्लॉ इतनी एजुकेशन इनके अंदर आ गई है नेक्स्ट न्यूज़ इज जी आई टाइप टू मिथिला मखाना मखाना विच इज़ कंसिडर्ड सुपर फूड है ना स्नैक करना है तो सैंडविच बर्गर्स मत खाइए कुछ मीठा मत खाइए बिस्किट मत खाइए मखाना खा लीजिए है न सो मखाना क्या होता है बेसिकली है आपको uh, कौन से फ्लावर से या कौन से पौधे से जुड़ा हुआ है मखाना अगर पता है तो बताइए मुझे ठीक है चलिए तो जी आई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है मिथिला मखाना को जोग्राफिकल इंडिकेशन मिलने का मतलब है कि सेम नाम मिथिला मखाना अब कोई भी और यूज़ नहीं कर सकता जो मखाना मिथिला में बन रहा है वही लोग मिथिला मखाना यूज़ कर सकते हैं नो अदर स्टेट नो अदर पर्सन कैन यूज़ दिस नेम नाउ ठीक है सेम नाम से कोई और नहीं बेच सकता सो so, मिथिला मखाना या वहाँ पर इसको मखन भी बोलते हैं या मखान बोलते हैं मखन बोलते हैं मुझे बताइएगा आप क्या बोलते हैं यूरेल फेराक सेलिस्ब ये इसका बोटैनिकल नेम है और स्पेशल वैरायटी का अक्वेटिक नट है एक हिंट आपको मिल गया अक्वैटिक यानी पानी में किसी पौधे से जुड़ा हुआ है ये है ना मुझे बताइएगा कौन से प्लांट से रिलेटेड है और ये स्पेशली बिहार और नेपाल रीजन में ही उगता है या बनता है वैसे उगता है बट मैं अभी सब कुछ बता दूंगी तो आप आंसर नहीं दोगे सो so, जब इस प्रोडक्ट को टैग मिल जाता है लाइक आई टोल यू कोई और कंपनी या पर्सन या जगह इसको इस नाम से नहीं बेच सकती ऑलरेडी मिथिला तीन चीजों के लिए प्रेस्टीजियस थ्री प्रेस्टीजियस कल्चरल आइडेंटिटी मिथिला की है पान मखान और माछ मछली सो पान मिथिला का जो पान है अब ये मखाना हो गया और मछली ये तीन यहां के कल्चरल रिचनेस uh, शो करते हैं मखाना जो होता है प्रोटीन फाइबर में रिच होता है न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन फास्फोरस सब इसके अंदर होता है तो मखाने खाइए भाई जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टार्ट कब हुआ था 15 सितंबर 2003 के अंदर हुआ था इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जी आई टैक्स दो में दार्जिलिंग टी को मिला था अब अगर हम बिहार के जीआई जी आई टैक्स की बात करें तो देख लीजिए मधुबनी पेंटिंग ये सब इंपॉर्टेंट है पूछना अगर एग्जामिनर चाहेगा तो कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि जिस स्टेट में कोई भी नया जी आई टैग आता है तो जरूरी नहीं है उसी जी आई टैग के बारे में पूछा जाए स्टैटिक उठाना होगा तो स्टेट के किसी भी जी आई टैग के बारे में पूछा जा सकता है तो इसलिए एक कंपाइलेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है मधुबनी पेंटिंग देन खातवा वर्क सुजनी एम्ब्रॉयडरी सिक्की ग्रास प्रोडक्ट भागलपुर सिल्क भागलपुरी जरदालू कतरनी राइस मघई पान जो हम पान बोल रहे थे शाही लीची और सिलाव खाजा और अब मखाना मिथिला मखाना ये सब बिहार के जी आई निदान का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या फिर निदान किस चीज से रिलेटेड पोर्टल है ये भी पूछा जा सकता है तो इंडिया का पहला पोर्टल है जो कि नार्को ऑफेंडर्स जो होते हैं जो कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में उन्होंने से रिलेटेड उन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया है ड्रग्स की खरीद बेच यूज एट्सेट्रा सो so, उनका जो आ, डेटा है वो इस पोर्टल पे दिख जाएगा ठीक है तो बेसिकली जो भी नार्कोटिक्स के क्रिमिनल्स हैं उन सबका डेटा इस पोर्टल पे शो होगा इस पोर्टल का नाम क्या है निदान निदान नेशनल इंटीग्रेटेड डेटा बेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स जिन्होंने नार्कोटिक्स को ऑफेंड किया है उनको अरेस्ट किया गया उसका डेटा इस पर चढ़ेगा एंड मेड ऑपरेशनल फॉर यूज बाय वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट प्रोसिक्यूशन एजेंसीज ताकि एंटी ड्रग लॉ और अच्छे से एनफोर्स की जा सके नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने इसको डेवलप किया है और ये जो डेटा है इसमें कहाँ से आएगा आई यानी जे इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ई e प्रेजेंस जो जेल होती हैं ई प्रेजेंस होती हैं जिनको सारा डेटा ऑनलाइन डालना है वहाँ से और आई से यहाँ पे डेटा लाया जाएगा इट इज़ अ पार्ट ऑफ नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म सो बेसिकली अगर आपने नार्कोटिक्स से जुड़ा हुआ कोई भी घबला किया तो आप निदान पे पाए जाओगे नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस अनवील्ड इन पुणे हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली पहली बस का अनावरण पुणे के अंदर किया गया है यहीं पे आपसे सवाल है जल्दी बताइए इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस इंडिया की पहली कहाँ अनवील की गई पिछले वीडियो में पढ़ा था बताइएगा सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह हैज़ अनवील्ड कंट्री की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जैसे कि नॉर्मल बैटरी से बसेस चलती है ये भी बैटरी से चलती है लेकिन ये हाइड्रोजन बैटरी है तो इसको बार बार इलेक्ट्रिसिटी से रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसको सी एस आई आर और के पी आई टी ने बनाया है बस इतनी सी बात है हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट फ्रेंडली है धुआं वगैरह नहीं करती है तो अगेन अ ग्रीन ऑल्टरनेटिव ऑफ एनर्जी पी एम नरेंद्र मोदी हैज़ इनागरेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट विच सिटी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर कौन से शहर के अंदर इनागरेट किया है पी एम मोदी ने आंसर इज मोहाली मोहाली के मुलानपुर के अंदर ये इनागरेट हुआ है और 300 बेड का ये रिसर्च सेंटर और कैंसर हॉस्पिटल है जो मोहाली को मिला है इसी के साथ साथ अच्छा पहले इसी का पूरा बता देते हैं ये 600 करोड़ की लागत से बना है बाय टाटा मेमोरियल सेंटर ओके okay. इसी के साथ साथ एक 2600 बेड का अमृता हॉस्पिटल भी हरियाणा के फरीदाबाद आ, में इनोग्रेट किया है पीएम मोदी ने सो हेल्थ right? so, को भी प्रायोरिटी देते हुए दोनों इनोग्रेशन हुए हैं बेनिफिट्स ऑफ पी एक्सटेंडेड टू ट्रांसजेंडर्स अब देखो ये एक न्यूज है कि पी दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ रिलेटेड है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है पाँच लाख तक का तो अब आपसे पी एम जे का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है पी एम जे कब लागू हुई पूछा जा सकता है ये कौन से मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है ये सब भी पूछा जा सकता है न्यूज़ इतनी सी है पर आपको पीछे की सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक एम साइन किया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ए बी पी एम जे पूरा नाम है इसका ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तक भी पहुँचे ठीक है एंड uh, हेल्थ बेनिफिट्स पाँच लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज हर साल दिया जाता है लोगों को तो उसमें अब ट्रांसजेंडर्स भी आएंगे और उनके फैमिली वाले भी आ सकते हैं और दो के बजट के लिए सिक्स वन सिक्स फोर वन टू करोर का बजट आउटले इस प्रोग्राम को दिया गया है ये 2018 में ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर टू के अंदर पी लॉन्च की गई थी सेंटर हैज़ अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अप टू अ पीरियड ऑफ कब तक सो so, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी है अर्बन भी है सो so, uh, हिंदी में अगर इसको देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के विस्तार को कितने समय तक की मंजूरी दे दी गई है डिसंबर 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी तक यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अप टू थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की रिक्वेस्ट आई कि भाई जो ऑलरेडी हमने आ, काम चल रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत उनको तो एटलीस्ट हम पूरा कर लें तो इस स्कीम को थोड़ा आगे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया जाए सो इट विल हेल्प इन कंप्लीशन ऑफ ऑलरेडी सैंक्शन जो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं कि हाँ भाई ये आपको बनाने हैं वन ट्वेंटी टू पॉइंट मार्च दो तक सैंक्शन हो गए थे तो उनको कंप्लीट करने में इससे हेल्प मिलेगी एंड uh, ये जो योजना है ये एक फ्लैगशिप मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत ये आती है और जून 25 2015 में लॉन्च हुई थी तो लॉन्च डेट याद रखिएगा मिनिस्ट्री याद रखिएगा ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं नाफिस अब नाफिस क्या है नाफिस भी पता होना चाहिए सो नाफिस इज़ नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई हो जाएंगे अगर आपने कोई भी क्राइम किया है तो आपके फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई करके रख लिए जाएंगे ताकि आप अगली बार ऐसा कुछ करो तो फटाफट से पकड़ लिए जाओ है ना तो अब आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो दस डिजिट का आपका फिंगरप्रिंट रहेगा सो हैज बीन फिंगरप्रिंट नंबर बेसिकली है ना सो हैज बीन लॉन्च बाय होम मिनिस्ट्री टू अलाउ कंट्री वाइड सर्च ऑफ क्राइम रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स आपके फिंगरप्रिंट्स तो मिल ही जाते हैं तो अब अगर आपका डेटा सिस्टम में एंटर रहेगा और आपके फिंगरप्रिंट पाएगा तो पता पड़ जाएगा भाई वहां वहां इस इंसान ने ये क्राइम किया पकड़ के लाओ जल्दी से ठीक है तो बच के रहना ना थोड़े फिंगरप्रिंट्स पकड़े ना जाए आपके आप थोड़ी हो क्रिमिनल नाफिस विल क्रिएट अ यूनिक टेन डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर फॉर ईच पर्सन अरेस्टेड फॉर द क्राइम जो भी अरेस्ट होगा उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे एंड डिफरेंट क्राइम्स को लिंक किया जाएगा है ना इजी हो जाएंगी ट्रैकिंग बस दिस इज इट इसको किसने डेवलप किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो नेंगताल लेख न्यूज में रही है अनंगताल लेख तो अनंगताल लेख को नेशनल इम्पोर्टेंस मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसकी श्रेणी में डाले जाने की बात हो रही है आ, अभी मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ आप बोलोगे मैम पहले शुरू हो जाते हो द अनंत टू बी डिक्लेयर्ड अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट इज लोकेटेड इन विद स्टेट और यूनियन टेरिटरी साइट या मॉन्यूमेंट है ना मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सो अनंत लेक जिसको कि डिक्लेयर किया जाना है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वो कहां स्थित है पहले तो आपसे ये पूछा जा रहा है भाई दिल्ली के अंदर है नई दिल्ली के अंदर ठीक है साउथ डेली टू बी प्रिसाइज अब टू बी है अभी डिक्लेयर नहीं हुई है समझिएगा बिकॉज अभी अनाउंस किया गया है कि डिक्लेयर किया जाना है अगर किसी को आपत्ति हो विरोध हो तो भाई आप बता दीजिए समय होता है तो आप इस दौरान दो साल का आई थिंक समय होता है या दो महीने का होता है Uh, उस दौरान कोई भी अपील कर सकता है कि नहीं आप इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित नहीं करोगे बिकॉज नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ये आप कुछ नहीं कर सकते हो इसका प्राइवेट पार्टी कोई उठ के नहीं आ सकती कि हमारी जमीन है ठीक है तो चलिए विल बी नोटिफाइड बाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर एनशियट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट नाइनटीन याद रखिएगा कि मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कौन से एक्ट के तहत डिक्लेयर किया जाता है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत अनंग ताल लेक जो साउथ दिल्ली में है ऐसा माना जाता है बेस्ड ऑन द मिनिस्ट्री ओनली कि वन जीरो सिक्स ज़ीरो ए डी पुरानी है और किन के समय की है इलेवेंथ सेंचुरी तोमर किंग अनंग पाल टू जो कि लाल कोट के बिल्डर भी माने जाते हैं उनकी आ, उनके समय ये बनी हुई है और इसको पहले धिलिकापुरी नाम से जाना जाता था कैसे हमें पता पड़ा लॉन्ग कनिंग हैं, जो हैं उनके इंस्क्रिप्शंस जो खुदाई में निकले उनसे पता चला कि भाई पहले इसको ये कहा जाता था अब देख लीजिए थोड़ा सा मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में क्या होता है और अगर किसी एक प्लेस को मॉन्यूमेंट ऑफ़ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया जाए तो उसके इम्प्लीकेशंस uh, क्या होते हैं उसके नतीजे क्या होते हैं मॉन्यूमेंट ऑफ़ नेशनल इंपॉर्टेंस आर डेजिग्नेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसी कोई भी uh, स्थल जो कि बहुत इंपॉर्टेंस uh, रखती है फ्रॉम हिस्टोरिकल या फिर आर्क्योलॉजिकल uh, सेंस उसको नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया जा सकता है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वंस डिक्लेयर्ड द साइट इज प्रोटेक्टेड बाई ए आई सी ए एस आई एंड इनकर्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन इट्स वेसिनिटी ना आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो ना उसके आसपास कंस्ट्रक्शन कर सकते हो ए आई सी के अंडर में आ जाती हो बिल्कुल तो ये सारे इसके रेपिकॉशंस होते हैं ए एस आई के डायरेक्टर जनरल वी विद्यावती और ये ए एस आई की पूरी डिटेल है फाउंडर एलेक्जेंडर कानिंग थे एटीन सिक्सटी वन में बनी थी नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये आती है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया नेक्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो 20 से 28 नवंबर 2022 गोवा में होना है दैट विल बी फिफ्टी थर्ड एडिशन ऑफ आई और जो आई है वो 1952 में फॉर्म हुआ था और एशिया का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल माना जाता है पीएम मोदी इनागरेट स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल इन कच्छ गुजरात सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल कहाँ इनागरेट किया गया कहाँ खोला गया तो कच्छ गुजरात जहाँ पे भुज में जो एपिसेंटर था और वहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 2001 में वहाँ जितने लोगों ने अपनी जान गवाई थी 13,000 पीपल टू बी प्रोसाइस उन सबके नाम यहाँ पे मेंशन है इस स्मृति वन में और उनकी याद में ये बनाया गया है कि देखो इतने बड़े तबाही के बाद लोग वापस कैसे भुज पूरा डेवलप हो गया कच्छ पूरा डेवलप हो गया और उस उस स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए ये स्मृति वन डेवलप किया गया है सो फोर एकड़ एरिया में अप्रॉक्सीमेटली जो थर्टीन लोग हैं उन उनकी याद में और वापस जीवन जो आगे चला उसको सेलिब्रेट करने के लिए स्मृति वन खोला गया है एंड ऑन भुजियो हिल नियर भुज टाउन कौन सी हिल पे भुजियो हिल और यहां पे स्टेट ऑफ आर्ट म्यूजियम भी है अर्थ म्यूजियम भी बनाया गया है ओके थर्टी ऑफ मिनिस्टीरियल लेवल ज्वाइंट रिवर कमीशन मिनिस्टीरियल लेवल यानी मिनिस्टर्स आके मिले हैं ज्वाइंट रिवर कमीशन ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री वॉज हेल्ड इन डेली भारत के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग और डैश यानी किस देश की थर्टी एट्थवीं अड़तीसवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई बांग्लादेश इंडिया और बांग्लादेश की जॉइंट रिवर कमीशन की बैठक थर्टी एथ मीटिंग हुई है नई दिल्ली के अंदर अब ये जो मीटिंग है ये बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश कई नदियां शेयर करते हैं और उनके ऊपर डिस्कशन के किसका पानी किस तरह से यूज़ किया जाए उनके ऊपर ये मीटिंग होती है एंड इस डेलीगेशन को यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इंडिया की तरफ से लीड किया और 12 साल के गैप के बाद ये एक मीटिंग हुई है जॉइंट रिवर कमीशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश जो है वो 1972 में बनी थी एक बायोलेटरल मैकेनिज्म के तौर पे कि जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट है कॉमन बॉर्डर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स का उसको एड्रेस और सॉल्व किया जा सके जो कॉमन है ट्रांस बाउंड्री यानी इंडिया से शुरू होकर बांग्लादेश जा रही है बांग्लादेश से शुरू होकर इंडिया आ रही है आ, या फिर कॉमन है दोनों के बॉर्डर पे शेयर हो रही है है ना तो उन सारे मसलों को आपस में बातचीत से सुलझाया जा सके तो आप समझिएगा इस बार की जो थर्टी एट्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई इसमें द टू साइड्स फाइनलाइज एमओ का टेक्स्ट के भाई अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है तो उसमें हम लिखेंगे क्या किसके बारे में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंतरिम वाटर शेयरिंग ऑफ कुश्यार रिवर कुश्यार नदी जो है उसके पानी को कैसे शेयर किया जाए उसके एमओयू का टैक्स फाइनल किया गया तो अब ये कुश्यार नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है कौन सी है भैया ये कुश्यार नदी कहां, कहां से निकलती है कहाँ जाती है सब हमें पता होना चाहिए अभी देखेंगे सो बेसिकली ये शेयर्ड रिवर है ये तो हमको पता है ट्रांस ट्रांस बाउंड्री रिवर है यानी एक कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री में जा रही है दे ऑल्सो वेलकम फाइनलाइजेशन ऑफ डिजाइन एंड लोकेशन ऑफ वाटर इनटेक पॉइंट फेनी रिवर जो है जो कि त्रिपुरा के सबरूम टाउन में इसका पानी पहले इस पर डिस्कशन आ गया था कि भाई ये जो फेनी नदी है ये त्रिपुरा से निकलती है और ये बांग्लादेश में जाती है ठीक है तो इसका जो पानी है वो त्रिपुरा के ही सबरूम टाउन आखिरी है जो आ, इसका पानी यहाँ से जाता है और फिर इंडिया के बाहर चला जाता है तो इसका पानी कितना यूज़ किया जाए ताकि सपरूम जगह के लोगों का पानी की आपूर्ति वगैरह ढंग से मीट हो सके तो उसके बारे में भी डिज़ाइन और लोकेशन वगैरह कितना पानी कौन लेगा कहाँ से डाइवर्ट होगा क्या होगा इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ सो अक्टूबर ट्वेंटी का जो एम बना था फेनी नदी के ऊपर उसके ऊपर भी आगे कार्यवाही इस मीटिंग में हुई तो अगेन फेनी रिवर बिकम्स इम्पोर्टेंट तो कुश्यारा नदी का क्या करें कैसे शेयरिंग करें फेनी नदी जो हमने पहले डिसाइड किया था ऐसे शेयर करेंगे अब उसकी कार्यवाही को आगे बढ़ाएं ये सारे डिस्कशन इस बार हुए एंड लाइक आई वॉज टेलिंग यू काफी सारी नदियां इंडिया और बांग्लादेश शेयर करता है कितनी फिफ्टी फोर रिवर्स जिनमें सेवन रिवर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अर्लियर फॉर डेवलपिंग फ्रेमवर्क और वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट जैसे इंडिया और पाकिस्तान की इंडस वैली वाटर ट्रीटी है ना uh, तो वो तो ट्रीटी बन गई थी उसके तहत मीटिंग्स होती रहती हैं इसी तरह से इंडिया और बांग्लादेश फिफ्टी uh, 54 रिवर्स शेयर कर रहे हैं तो सात रिवर्स पे ऑलरेडी इनके डिस्कशंस हो चुके हैं कैसे क्या शेयरिंग होगी और अब मीटिंग्स होती रहती हैं काम आगे बढ़ता रहता है दो इंपॉर्टेंट नदी जिनका नाम हमने देखा कुशियार और फेनी अब जल्दी से इनको समझ लेते हैं एग्जामिनर पूछ सकता है फेनी रिवर की अगर हम बात करें मैंने आपको बताया था त्रिपुरा है ना तो अगर आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा पाएं दिस इज़ त्रिपुरा ये वाला हिस्सा है ना ये त्रिपुरा है और ये त्रिपुरा का एंड वाला हिस्सा ये अगर आप देख पाएंगे दिस है ना तो ये सबरूम इलाका आता है सो फेनी रिवर साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश और त्रिपुरा स्टेट ऑफ बांग्लादेश के साउथ ईस्ट हिस्से में और त्रिपुरा दोनों एरियाज में पड़ती है और ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि ओरिजिनेट कहाँ हो रही है साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट से और फ्लोस थ्रू सबरूम टाउन एंड एंटर्स बांग्लादेश सो so, ये साउथ त्रिपा त्रिपुरा वाले डिस्ट्रिक्ट से चालू होकर ये रही ये रही है ना और फिर ये बांग्लादेश एंटर कर जाती है सो so, फेनी रिवर के बारे में त्रिपुरा में स्टार्ट होती है बांग्लादेश को एंटर करती है अब हम बात करते हैं कुशियार नदी के बारे में तो कुश्यारा रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है बांग्लादेश और असाम की बराक नदी जब मैंने रिवर्स पढ़ाई थी बाराक रिवर आपको बताई थी बाराक रिवर मेघालय से शुरू होती है है ना मणिपुर से सॉरी नॉट मेघालय एम सो सॉरी मणिपुर से स्टार्ट होती है बाराक और मणिपुर से निकलने के बाद और नागालैंड फिर आसाम होती हुई और फिर ये आ, बाहर आती है है ना तो आसाम में ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है ठीक है एंड वहाँ पे दो ब्रांचेस जब ये बनाती है यानी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो एक आती है कुशियारा नदी और दूसरी आती है सुरमा मैं थोड़ा इसको बड़ा करके आपको दिखाती हूँ ये देखिएगा ये आ रही है बराक नदी यहाँ पे ये ये आसाम का बिल्कुल बॉर्डर एरिया आ गया और बांग्लादेश शुरू हो गया सुरमा और कुश्यारा में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई ठीक है अब ये जो कुश्यारा है ये आगे जा कर के मेघना के फॉर्म में फ्लो करना स्टार्ट होती है मेघना अगर आपको पता हो भाई इंडिया से जो गंगा आ रही थी वो बांग्लादेश में एंटर करने के बाद किस नाम से बहती है पद्मा नाम से बहती है ऊपर से ब्रह्मपुत्र आती है जो बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है ये दोनों मिलते हैं और पद्मा के फॉर्म में आगे बढ़ते हैं ये मेघना नदी इसमें मिलती है और फिर पद्मा बन के ये बे ऑफ बंगाल में आगे बह जाती है सुकुल मिला के बराक नदी जो है वही आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है सुरमा और कोश्यारा में कोश्यारा फर्दर जा कर के मेघना बनेगी और मेघना पद्मा और जमुना मिलकर फिर पद्मा बनके बे ऑफ बंगाल बहती है ये पूरा मैंने आपको ट्रैवल

फिर नागालैंड मणिपुर बॉर्डर पे फ्लो करती करती असम में एंटर करती है देन इट एंटर्स बांग्लादेश जहाँ इसको सुरमा और कुश्यारा नाम से जाना जाता है और बाद में मेघना नाम से जाना जाता है फिर ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा के फ्लो में कंबाइन होकर के आगे जाती है गंगा ब्रह्मपुत्रा जिसे पद्मा और जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है ठीक है जी आई होप समझ में आ गया होगा मेरे ऊपर ना बहुत प्रेशर रहता है थोड़े से मतलब कम समय में आपको बहुत कुछ बताने का और इसलिए कई बार मैं बोलने में मिस्टेक कर जाती हूँ कई बार दिमाग में इतना फास्ट चल रहा होता है ज़ुबान से कुछ और निकल जाता है सो काइंडली अंडरस्टैंड दीज प्रेशर्स दैट आई एम हैविंग ऑन माई हेड वीडियो बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए ताकि आप पढ़ो पॉइंट सिर्फ इतना है ताकि आप पढ़ो इंटरेस्ट से और बताना भी सब कुछ है अभी भी बहुत कुछ छूट जाता है बताने के लिए बहुत कुछ होता है बट आई कर्टेल माई सेल्फ एनी वेज कमिंग बैक तो जी क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मॉडल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गंगा एज प्रोपोज बाय इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित गंगा के सतत विकास के लिए नए मॉडल का क्या नाम है सो so, गंगा का डेवलपमेंट हो सके इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने एक नया नाम प्रपोज किया था कि भाई ये मॉडल होना चाहिए डेवलपमेंट का उसका नाम क्या अर्थगंगा अर्थगंगा डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अशोक कुमार जी ने हाल ही में जो स्टॉकहोम में वर्ल्ड वाटर वीक दो चल रहा था उसमें अर्थगंगा मॉडल का मेंशन किया तो अर्थगंगा मॉडल इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्थ यानी इंग्लिश में अगर हम अर्थ की बात करें मीनिंग नहीं है इकोनॉमी पैसे को भी अर्थ बोलते हैं है ना सो so, अर्थगंगा यानी गंगा को अगर आप इकोनॉमिक मॉडल से जोड़ दोगे कि गंगा को डेवलप करना साफ रखना लोगों के लिए पैसा कमाने का जरिया बन जाएगा इकोनॉमी को बूस्ट करने का जरिया बन जाएगा तो ये काम आसानी से हो जाएगा ठीक है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गंगा के नए मॉडल का नाम है अर्थगंगा अर्धगंगा फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गंगा का और सराउंडिंग एरियाज का किस फोकस के साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जोड़ दीजिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा तो पीएम मोदी ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग में कानपुर में 2019 में क्या आप इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ या एक्टिविटीज के साथ जोड़ दीजिए जहां इन्होंने बोला था कि नमामि गंगे प्रोग्राम जो हम कई बार सुनते हैं ना नमामि गंगे प्रोग्राम को नमामी गंगे ना करके अर्थगंगा कर दीजिए आप इसको रिलीजियस सेंटिमेंट से जोड़ोगे तो इतनी जल्दी काम नहीं बनेगा लेकिन आप इसको इकोनॉमिक एलिमेंट से जोड़ दीजिए ठीक है तो आप देख लेते हैं थोड़ा सा अर्थगंगा क्या फोकस करती है सो अर्थगंगा सिक्स वर्टिकल्स पे फोकस करता है ये मॉडल कौन कौन से वर्टिकल हैं सबसे पहला जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी कि केमिकल फ्री फार्मिंग हो टेन किलोमीटर्स तक गंगा के दोनों तरफ है ना तो बिल्कुल आ, ज़ीरो बजट नैचुरल फार्मिंग हो जिसके अंदर काउडंग का इस्तेमाल किया जा रहा है गोवर्धन स्कीम के तहत तो आ, लोग अगर पेस्टिसाइड्स केमिकल यूज़ ही नहीं करेंगे तो गंगा क्लीन रहेगी नंबर वन मोनिटाइजेशन एंड री ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर तो जो आ, इरिगेशन के लिए पानी यूज़ होता है उसको ट्रीट करके वापस से यूज़ किया जा सके इंडस्ट्रीज़ रेवेन्यू जनरेशन जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ का वो और बढ़ेगा इससे है ना तो लोकल बॉडीज़ ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह लगा सकती हैं और जो पानी यूज़ हो रहा है उसी को री किया जाए लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए यहाँ पे बाय क्रिएटिंग हार्ट्स तो गंगा के आसपास जो हार्ट्स हैं जो लोकल प्रोड्यूस वगैरह लोग करेंगे उनको यहीं बेचा जाए तो दैट विल बी अनदर थिंग जिसके अंदर लोकल प्रोडक्ट्स मेडिसिनल प्लांट्स आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन जो सिनर्जी है स्टेक होल्डर्स की जो जो भी लोग गंगा से अफेक्ट होते हैं या गंगा की वेरियस एरियाज में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं है ना तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड उन सभी में आपस में पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए ताकि uh, गंगा का इकोनॉमिक सॉरी नॉट इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके देन कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म जो है गंगा से जुड़ा हुआ उसको बढ़ावा दिया जाए जैसे कि स्पोर्ट्स हो गए कल्चरल uh, एक्टिविटीज़ हो गई गंगा के आसपास योग एक्टिविटीज़ हो गई एंड देन एम्पावरिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ताकि गवर्नेंस वहां का इंप्रूव हो तो ये सिक्स आस्पेक्ट हैं सिक्स वर्टिकल्स हैं अर्थ गंगा मॉडल के जिनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान किया जा रहा है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर क्लीन कोस्ट सेफ सी कैंपेन सो सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के चलते स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर जो कैंपेन था वो देखा गया सेवेंटी फाइव डे सिटीज़न लेड इनिशिएटिव था पिचत्तर दिन तक पिचत्तर कोस्ट यानी 75 फाइव कोस्ट पर हर कोस्ट पे 75 या 750 पीपल ऐसा ही कुछ था और दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया दे एम्ड एट इम्प्रूविंग द कोस्ट एंड ओशन हेल्थ कम्युनिटी साथ आएगी 75 फ़ाइव बीच पे 75 फ़ाइव डेज तक जो सिटीजन हैं वो सफाई अभियान एंड ऑल दैट चलाएंगे ताकि जो कोस्ट है जो बीच हैं वो स्वच्छ हो सकें ठीक है कैंपेन फिफ्थ जुलाई 2022 को स्टार्ट हुआ और 17 सितंबर 2022 को खत्म होगा अभी चल रहा है और इस दिन आता है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे ठीक है गोल्स क्या हैं कंज्यूम रिस्पॉन्सिबली हिसाब से खाओ पियो फैलाओ मत इतना कचरा और ओशन को भी ओवर एक्सप्लॉयट मत करो सेग्रीगेट वेस्ट एट होम डिस्पोज रिस्पॉन्सिबली ये जो कैंपेन था स्पीय हेड किसने किया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंटिस्ट ने पार्टनरशिप रही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की इंडियन कोस्ट गार्ड्स की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की और बाकी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो कि इससे जुड़े हुए हैं ओके सो वी आर डन विथ नेशनल न्यूज अब स्टार्ट करते हैं बैंकिंग और फिनेंस सेक्टर की न्यूज को इस महीने बहुत सारी न्यूज नहीं देखने को मिलेगी फिनांस बैंकिंग की पर ठीक है जितनी भी इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं UPI expands to UK provides hassle-free digital transactions तो so, जो UPI है हमारा Unified Payment Interface वो अब UK में भी payments कर पाएगा ये किसके through possible हुआ है NPCI International Payments Limited NPCI का uh, International Payments Limited जिसको NIPL बोलते हैं वो already अलग-अलग जो international uh, payment providers होते हैं उनके साथ में agreements करता है partner करता है और uh, जैसे कि यूके की अगर हम बात करें तो पे एक्सपर्ट ये यूके का पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है तो एन आई ने पे एक्सपर्ट के साथ में पार्टनर किया और अब हमारा जो यू है वो वहाँ भी पेमेंट ट्रांसफर कर पाएगा ऑलरेडी हम यू जापान यूएस सिंगापुर भूटान नेपाल फ्रांस में यू पेमेंट सर्विसेज यूज़ कर सक रहे हैं देन एन आई की अगर हम बात करें दिस ये होली ओन सब्सिडरी है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया एन पी का इंटरनेशनल पेमेंट है बस ये

सरकारों के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं आंसर इज गोदरेज एग्रोवेट गोदरेज एग्रोवेट एक कंपनी है जो कि पाम ऑयल की खेती और फिर इसको आगे आ, मार्केट तक ले जाना ये सारा काम टेक केयर करती है और ये अलग अलग राज्य सरकारों के साथ में एमओयू करती है कि वील बी वी डेवलपिंग दिस एंटायर थिंग और हम मार्केट तक लेके जाएंगे सो so, कल्टिवेशन और डेवलपमेंट प्रमोशन ये सारा यही देखेंगे तो हाल ही में इन्होंने कौन से तीन स्टेट्स के साथ किया असम मणिपुर और त्रिपुरा के साथ नॉर्थ ईस्ट को पाम ऑयल के एरिया में बढ़ावा देने के लिए ऑलरेडी सरकार की योजनाएं सामने आ रखी हैं सो एग्रोवर्ट की गोदरेज एग्रोवर्ट की बात करें तो लार्जेस्ट ऑयल पाम प्रोसेसर कंपनी इंडिया की गोदरेज एग्रोवर्ट है और ये डायरेक्टली फार्मर्स के साथ काम करती है पूरी क्रॉप साइकिल में ताकि उनको बताना कि कैसे पाम ऑयल उगाना है और मतलब पाम उगाना है कैसे उसकी खेती पे ध्यान देना है फिर कैसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है एक्सट्रा एचट्रा एंड इसको हर जिन जिन स्टेट्स के साथ इसने एम किया है इस कंपनी ने वहाँ पे इनको लैंड मिलेगा ताकि वो प्रमोट एंड डेवलप कर सके सस्टेनेबल पाम ऑयल प्लांटेशन इससे पहले ऐसा नहीं पहली बार uh, गोदरेज एग्रोबर्ट ने किसी कम स्टेट गवर्नमेंट uh, के साथ में एम किया है इट इज़ ऑलरेडी वर्किंग विथ आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु ओडिशा ओडिशा गोवा महाराष्ट्र मिजोरम

के पाम ऑयल कल्टिवेशन में 10 लाख हेक्टेयर तक का एरिया आ जाना चाहिए बाय 25-26 एंड 16.7 हेक्टेयर बाय 29-30 स्पेशल फोकस रहेगा नॉर्थ ईस्ट रीजन पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे यहाँ पे पाम ऑयल की खेती को ज्यादा एम्फोसाइज किया जाएगा अच्छा क्रॉप है अच्छा पैसा देने वाला क्रॉप है PMJDY completes जे year of successful एट ईयर ऑफ सक्सेसफुल एम जन धन योजना यस सो प्रधानमंत्री जन धन योजना द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इट हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स एट ईयर्स और 28 अगस्त को इसके आठ साल पूरे हो गए ये लॉन्च कब हुई थी 2014 के अंदर लॉन्च हुई थी सो प्रधानमंत्री जन धन योजना में फिनेंशियल इंक्लूजन यानी विमेन भी फाइनेंशियली Uh, अपने अकाउंट्स वगैरह ऑपरेट कर सकें देन गाँव में भी uh, बैंकिंग सर्विसेज पहुंच सके सो दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ़ जनधन योजना मोर देन 46.25 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं इस दौरान वन सेवेंटी थ्री जीरो 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 ज़ीरो रुपीज़ डिपोजिट हुए हैं इन सारे अकाउंट्स में ओवर द ईयर्स फिफ्टी जनधन अकाउंट होल्डर्स फीमेल्स हैं सिक्सटी जनधन परसेंट जनधन अकाउंट होल्डर्स रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में ओपन हुए हैं एंड थ्री 39.94 करोड़ के रुपए कार्ड्स जो हैं वो इशू किए गए हैं सो so, जन धन योजना से क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं इन सालों में आठ सालों में उस पूरे का एक जिस्ट है और इस एक पोस्टर से भी आप मोटी मोटी बातें पकड़ सकते हैं सो ऑल दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग और आठ साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी ये आपके वनडे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है न्यू चेंजेस इन अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना जो है उसमें कुछ नए बदलाव लाए गए हैं अटल पेंशन योजना एक्चुअली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए थी कि आप अपनी पेंशन जोड़ सकते हो और जब आप बुढ़ापे में आ जाओगे तो आपको पेंशन मिलने लग जाएगी आप चले जाओगे आपके स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ को मिलेगी आप दोनों ही चले जाओगे तो आपके नॉमिनी को मिल जाएगी लेकिन अब इसके अंदर एक बदलाव कर दिया गया है कि अगर आप आई फाइल करते हो यानी अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हो आई फाइल करना इन द अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हो नॉट आई जस्ट तो आप अटल पेंशन योजना के ब्रैकेट में नहीं आओगे यानी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज मेंट फॉर वीकर सेक्शंस इकोनॉमिकली सो अटल पेंशन योजना स्टार्ट की गई थी विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग पेंशन फैसिलिटीज जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं 2015 में योजना शुरू की गई थी सो इकोनॉमिकली वीकर इन द सेंस अनऑर्गेनाइज सेक्टर है है ना एज ए रिजल्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिसाइड किया है कि जितने इनकम टैक्स पेयर्स हैं ना वो इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते मतलब आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो यानी कि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं ना कहीं काम कर रहे हो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तो नहीं हो सो so, अब ये जो नया चेंज uh, है ये फर्स्ट अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगा ऑफिशियल गजेट जो आया बाई मिनिस्ट्री ऑफ फिनंस ऑन टेंथ ऑगस्ट एनी सिटीजन हु इज और हैज़ बीन एन इनकम टैक्स पे इनकम टैक्स पे करने वाला अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट विल नॉट बी एलिजिबल टू जॉइन This योजना बेसिक एंट्री रूल्स क्या हैं इसके करंट कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो अठारह से चालीस साल की उम्र के हो सेविंग अकाउंट है किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में तो आप अप्लाई कर सकते हो स्कीम के लिए नंबर वन बेनिफिट क्या है मिनिमम गारंटीड पेंशन आपको मिलेगी हज़ार रुपये से पाँच हज़ार रुपये तक की अगर आप साठ साल जब पूरे कर लेते हो हर महीने आपको ये मिलेगी और आप गुजर गए तो लाइ ग डोलू स्पाउस को मिलेगी नहीं तो फिर नॉमिनी को मिल जाएगा सारा कॉर्पस जो पेंशन का है अब आते हैं जी थोड़ा बैंक्स की तरफ सो आर बी आई हाइक रेपो रेट बाई फिफ्टी बेस पॉइंट फोर परसेंट आर बी आई ने हाइक कर दिया है रेपो uh, रेट को फिफ्टी बेस पॉइंट से एंड फाइव पॉइंट फोर परसेंट रेपो रेट पहुंच गई है जो कि प्री पैंडमिक टाइम की है है ना ये रेट अभी तक की सबसे हाई है प्री पैंडमिक टाइम्स पे ही वापस आ गई है आरबीआई ने इंक्रीज कर दिए पॉलिसी रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट्स और ये अब 5.4 परसेंट हो गई है शशिकांत दास जी ने ये अनाउंस किया जो कि गवर्नर है आरबीआई के और रेपो रेट लाइक टोल यू प्री पैंडमिक लेवल्स पे पहुंच गई है 2019 से अभी तक की हाईएस्ट है सिंपल वर्ड्स में बोले रेपो रेट क्या होती है व्हाट इज़ रेपो रेट अगर कोई भी कमर्शियल बैंक जो है वो आर से लोन लेता है, है ना और उसके एवज में कोई ना कोई सिक्योरिटी रखवाता है तो कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा किस परसेंटेज पे दैट इज रेपो रेट बिल्कुल साफ शब्दों में सो रेपो रेट इज द इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई ऑफ इंडिया व्हेन कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम देम बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है दैट इज़ नाउ फाइव पॉइंट और वाइल मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है 5.65 परसेंट है उसके साथ साथ और रेट्स भी देख लो यहाँ पे क्लब कर दिया गया है रेपो रेट हमने देख ली स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी

विच विल बी चेयर्ड बाय फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के वी सुब्रमण्यन तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेबी ने जो नई कमेटी अपॉइंट की है कॉन्स्टिट्यूट की है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एडवाइजरी कमेटी ये नाम है इसका और इसको हेडकॉन कर रहे हैं इट इज़ चेयर्ड बाय के वी सुब्रहण्यन बाकी इसमें फ़ॉरन बैंक के रिप्रजेंटेटिवज़ और स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज आर वगैरह भी रहेंगे सो so ये बेसिकली जितने भी फॉरन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल हैं आ, वो और कहा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता वो सारी थोड़ी गाइडेंस और फिजिबिलिटी स्टडी न्यू इन्वेस्टमेंट की ये सब करके फॉरेन इन्वेस्टर्स को बताएंगे ताकि इन्वेस्टमेंट्स और अट्रैक्ट किए जा सके व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन ट्वेंटी थ्री एज पर मॉर्गन स्टैंडले मॉर्गन स्टैंडले के हिसाब से फाइनेंशियल ट्वेंटी थ्री में इंडिया का एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगा सेवन परसेंट एस्टिमेट लगाया है एनलिस्ट जो है उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी एशियन रीजन में बनकर के उभरेगा 2022-23 के अंदर और द रेट दिस रेट दैट इज सेवन परसेंट इज द स्ट्रॉगेस्ट अमंग लार्जेस्ट इकोनॉमीज एंड कॉन्ट्रीब्यूट ट्वेंटी एट परसेंट टू एशियन ट्वेंटी टू परसेंट टू ग्लोबल ग्रोथ सो मॉर्गन स्टैंडले के हिसाब से ये इंडिया का ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के अंदर जी डी पी भविष्य होने वाला है एस बी आई स्टॉप द डेबिट कार्ड मार्केट नॉट स्टॉप्ड सॉरी एस बी आई टॉप्ड द डेबिट कार्ड मार्केट एंड एच डी एफ सी लीड्स द क्रेडिट कार्ड मार्केट तो अगर हम पी जी ए लैब्स की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो एस बी आई जो है वो डेबिट कार्ड मार्केट में टॉपर रहा और क्रेडिट कार्ड मार्केट में एच डी एफ सी टॉपर रहा मेन बात सिर्फ इतनी सी है सो so, अगर आप एस बी आई जिसने डेबिट कार्ड मार्केट में टॉप किया थर्टी परसेंट मार्केट शेयर जो है वो एस बी आई के डेबिट कार्ड का देखा गया पूरे डेबिट कार्ड मार्केट के अंदर जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू की स्टैट्स uh, के हिसाब से फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा जिसने एट परसेंट मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड सेगमेंट की तो एच बैंक ने टॉप किया है ट्वेंटी के साथ में फॉलोड बाई एस बी आई मार्केट शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च दिस फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप इन विच सिटी एस बी आई ने सिर्फ स्टार्टअप्स को डेडिकेटेड अपनी एक ब्रांच स्टार्ट की है जिसमें सिर्फ स्टार्टअप रिलेटेड uh, वो फंडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो या रेगुलर बैंकिंग हो वो सब प्रोवाइड करेगा कौन से सिटी में शुरू किया बेंगलुरु के अंदर किया बेंगलुरु में भी कोरमंगला के अंदर सो अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग फंडिंग रेगुलर बैंकिंग स्टार्टअप्स को ये सपोर्ट भी करेगा एसोसिएटेड सर्विसेज में लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्रेजरी ऑपरेशन एडवाइजरी एंसिलरी फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू द सब्सिडीज तो सपोर्ट सर्विसेज भी देगा और उसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ स्टार्टअप आईपीओ आप कैसे शुरू कर सकते हो फॉलो अप आई वगैरह कैसे कर सकते हो ये सारी चीजों में भी हेल्प करेगा स्टार्टअप्स को इन अ फर्स्ट विच बैंक हैज ओपन इट्स ऑल वुमेन ब्रांच इन कोजिकोड नॉर्थ केरला किस बैंक ने अपनी पहली इंडिया की पहली नहीं अपनी पहली अपने बैंक की पहली ऑल वुमेन ब्रांच स्टार्ट की है कोसीकोड केरला के अंदर एच बैंक ने सो so, एच बैंक की पहली ऑल वुमेन ब्रांच है चार फीमेल्स के साथ ये ब्रांच स्टार्ट की है और एज ऑन मार्च 31, 2022, ट्वेंटी टू बैंक की बात करें तो 21.7 परसेंट कर्मचारी एच बैंक के फीमेल्स हैं और इनका टारगेट है कि दो तक ट्वेंटी फीमेल्स हमको करनी है ठीक है जी राजस्थान एज़ हाइएस्ट शेयर इन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स अप्रूव बाय बैंक्स एज पर आरबीआई आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं आज तक मतलब इस पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर 2022 में तो उसमें हाईएस्ट कॉस्ट कौन से बैंक आ, कौन से स्टेट में अप्रूव हुई है दैट इज़ इन राजस्थान आर बी आर्टिकल ने रिवील किया है कि राजस्थान इज अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट शेयर इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स विच आर सेंक्शनड ठीक है बाय बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो जितने भी लोन सैंक्शन हुए हैं उनकी सबसे बड़ी लागत कौन से स्टेट के अंदर सैंक्शन हुई है राजस्थान के अंदर और ये दो साल से कंजेक्टिवली राजस्थान ही टॉप कर रहा है फॉलोड बाय यूपी एंड गुजरात स्टेट वाइज डेटा रिवील करता है इक्कीस बाईस का कि मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर टेकन अप इन फाइव स्टेट्स ओनली यानी कि जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे उनकी अगर आप लागत देखो तो 50 परसेंट से ज्यादा इन पांच स्टेट्स में ही थी राजस्थान यूपी गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु और 21 बाईस का ये जो डेटा है ये 19 बीस की अगर आप बात कर लो या द शेयर ऑफ दिस फाइव स्टेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फ्रॉम फोर्टी था ये बारह तेरह में एंड नाइनटीन मोर देन फिफ्टी परसेंट ड्यूरिंग द लास्ट टू ईयर्स ठीक है सो so, ये जो बारह से तेरह और उन्नीस बीस का जो पूरा पीरियड था राइट फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेल्व टू ट्वेंटी ट्वेल्व थर्टीन टू ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी तब तक कितना परसेंटेज जो सैंक्शन होता था उसका कॉस्ट इन फाइव स्टेट्स में देखा जाता था फोर्टी परसेंट यानी पूरे सैंक्शन अमाउंट का फोर्टी परसेंट शेयर इन पाँच स्टेट्स में देखा जाता था वो बढ़ गया और लास्ट टू ईयर्स से वो फिफ्टी को क्रॉस कर चुका है तो इतनी बढ़त देखी गई है लास्ट टू ईयर्स में कहने का पॉइंट सिर्फ इतना सा है ओके एंड विद दिस वी आर डन विद दिस लॉन्ग वीडियो अवर नेशनल न्यूज एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज ऑफ कोर्स आई एम एग्जॉस्टेड ऑफ कोर्स यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड बट देन देस वर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो हम छोड़ सकते थे और पी uh, डी में तो आपको और भी न्यूज देखने को मिलेगी यहाँ तो फिर भी मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो मुझे लगता है नहीं ये तो पढ़नी ही पढ़नी है हमें वो इनकॉपरेट की है तो चलिए एंड uh, करते हैं आज के सेशन को विद दिस थॉट यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली आज जोश चढ़ा कुछ कर लिया कल जोश ठंडा हो गया छोड़ दिया है ना आज सोचा डेली एक इस ड्यूरेशन में ये एक्टिविटी करनी है वो एक्सरसाइज हो चाहे पढ़ना हो चाहे आ, आ, अपने इंटेलेक्ट को सेटिसफाई या ग्रो करने के लिए कुछ सुनना हो है ना या वॉक पे जाना हो एनीथिंग तो आपको आज जोश चढ़ा आपने वो काम किया दो तीन दिन में जोश ठंडा हो गया छोड़ दिया मम्मी पापा अधिकतर आने देते ही ना हाँ आज बहुत जोश चढ़ रहा है कल ठंडा हो जाएगा आज सुबह पांच बजे उठ के वॉक पे जा रहे हो वेरी गुड देखते हैं कितने दिन करते हो सुनने को मिलता होगा राइट सो so, आप अपनी लाइफ में तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते हो जब तक आप अपने डेली रूटीन में कोई एक बड़ा और कंसिस्टेंट बदलाव नहीं लाते हो द सीक्रेट टू योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन सक्सेस ऐसे कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन ले आए और अगले दिन वापस वही कॉमन प्लेस हो गए तो नहीं आएगा यू हैव टू ब्रिंग स्मॉल बट कंसिस्टेंट चेंजेस इन योर डेली रूटीन रोजमर्रा के जीवन में आप क्या चेंज लाते हो आपने डिसाइड किया आज मैं कुछ मीठा नहीं खाऊंगा एंड देन आज तो कुछ भी मीठा नहीं खाया लेकिन हर तीन चार दिन बाद अगेन आप बहुत ज्यादा हॉग ऑन कर रहे हो तो इट विल नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन योर लाइफ सो डिसाइड कीजिए जो भी कुछ करना है वो आपके डेली रूटीन में आप कितना इनकॉपरेट कर रहे हो एंड सी द रिजल्ट नॉट आई टेक यू वेरी In another video on international affairs, rankings, and sports news. Take care, bye bye.